सबको सब कुछ नहीं मिलता है। प्रवचन शुरू कर दूं मैं? भाग्य पे बहुत कुछ निर्भर करता है। मैंने बोला मजाक में, लेकिन मजाक नहीं है। अब आप कहोगे, सर आप तो बोलते हो कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में होता है। ये भी सच है। भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, ये भी सच है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे, क्या मतलब, एक बात करो ना। अरे भाई साहब, लाइफ में ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हो। क्लियर कट आंसर नहीं होता है। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं है। बहुत कुछ होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे पेरेंट्स हमने चूज नहीं किए हैं, वो हमारा भाग्य है। अब अपने पेरेंट्स के बारे में जैसे आप सोच रहे हो, उसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये भी भाग्य है। तो एक है पेन और प्लेजर, एक है सुख और दुख। आपका जो सुख है और दुख है, वो काफी हद तक आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। मैंने काफी हद तक इसलिए लगा दिया बीच में, क्योंकि वहां पर भी एक्सेप्शंस हैं। अगर मैं ये कह दूंगा कि पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है, तो ये बकवास है। आपका पति है, पत्नी है, वो बदतमीज है, उसको ये नहीं पता रिस्पेक्ट क्या होती है, तो आप सुखी कैसे रहोगे? तो पूरी तरह से आपके हाथ में कहां है? तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो भाग्य आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां से बाहर जा रहे हो, कोई आया और आकर के एक्सीडेंट हो गया, आपकी कोई गलती नहीं है। इसको आप भाग्य बोल सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है। जैसे कोई अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, ये क्या है? भाग्य। रिलेटेड टू व्हाट? पेन एंड प्लेजर। जो अमीर घर में हुआ उसको हर तरह के प्लेजर्स मिलेंगे, और जो गरीब घर में पैदा हुआ उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वहां क्या है? पेन है। और प्लेजर कहां है? जो एक वेल ऑफ घर में पैदा हुआ है, वहां पे हर तरह का कंफर्ट है, सब कुछ है जो चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो जो बच्चा है जो गरीब घर में पैदा हुआ, उसकी थिंकिंग ऐसी है कि वो लाइफ में आगे बढ़ता चला जा रहा है, ग्रो करता चला जा रहा है, सीखता चला जा रहा है, और अपना रास्ता खुद बना रहा है, और अपनी जिंदगी से खुश है। दूसरी तरफ से वो जो अमीर घर में पैदा हुआ, वो अपने बाप का सारा पैसा उड़ा रहा है, बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है। किसकी वजह से है? उसकी थिंकिंग की वजह से। दुख होता है थिंकिंग की वजह से, दर्द होता है बॉडी की वजह से और हमारे सराउंडिंग्स की वजह से, बीमारियों की वजह से। सुख दुख होता है थिंकिंग की वजह से। अभी आप सही सोचने लग जाओ, सुखी हो जाओगे। गलत सोचने लग जाओ, दुखी हो जाओगे।